सुबह तक का चैन नहीं है इस इंसान को। फूंक दिया मंदर, मिल गई शांति है। अपना पति तो बचा नहीं, तो अब तो ऐसे करोगी? मौका पाते ही दूसरे की शादीशुदा जिंदगी में अंगारे सुलगाओगी। अब समझ में आया क्यों औरतें सुहागन मरने की प्रार्थना करती हैं। पत्नी के जाने के बाद पति तो फिर भी जी लेता है, लेकिन पति के जाने के बाद समाज औरत को इतनी पीड़ा देता है, इतनी पीड़ा देता है कि वो जीते जी मर जाती है। माँ ने इतना पुराना सामान अभी तक संभाल के रखा है। उल्टी होगी, चलो छोड़ो। इंसान लाख कोशिश कर ले, होता वही है जो भगवान की मर्जी हो। 3,500, 3,500 की त्रुटि है हिसाब में। अरे इतना सारा घोटाला कैसे कर लेते हो तुम, कैसे? हमारा अनुज दीपक राम जी के चरण धोने निकल गया, उसकी पत्नी, उसकी सुपुत्री, उसका भरण पोषण हम ही को तो करना है, और ऐसे में तुम अपनी योग्यता का यह उदाहरण देते हो। अरे यही हाल रहा ना तो कपड़े लत्ते सब बच जाएंगे। भाई साहब हिसाब किताब के साथ साथ मौसम भी तो देखिए, वज्र ठंड पड़ रही है, खाना बार बार गर्म करना पड़ रहा था, सो गैस मंगानी पड़ गई। भाई साहब देश या दुनिया की ऐसी कोई शादी नहीं है भाई साहब जिसमें हिसाब किताब में थोड़ा सा हेर फेर इधर से उधर ना हो जाए। आपको भी वक्त के साथ बदलना चाहिए भाई साहब। खड़े, अरे खड़े हो। पहली बार तुम्हारी चड्डी का जो नाड़ा है हम ही ने बांधा था, समझे? इसलिए हमें ना बनाओ। और ये जो 3,500 रुपए है ना, ये प्रयोग में नहीं, तुम्हारे भोग में चढ़ेंगे, भोग में, समझे? भाई साहब 1,000 रुपया तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं भाई साहब, ये तो भाई साहब ये तो गलत बात है। एक तो शहर के बाहर जितनी भी शादियां होती है मैं सब संभालता हूं बिना किसी शिकायत के, काम के चक्कर में हमेशा मुझे घर से दूर रहना पड़ता है। ये जो घर से बाहर रहने की बात है ना, ये रोना बंद कर। तुझे यहां पे कितना अच्छा लगता है ये बात मैं जानता हूं,
समझे? और सुन, कल सुबह वहां सावेर जाना है, उनके बेटे की शादी है, और प्रातः समय पर पहुंच जाना, समझा? प्रातः काल की प्रतीक्षा क्यों करनी है भाई साहब? आप कहिए तो अभी निकल जाता हूं। जब निकलना है ये तुम जानो और तुम्हारे प्रभु जाने। और हाँ, इस बार हिसाब बिल्कुल सही होना चाहिए, समझा? और खर्चा हाथ रोक कर, वरना समझे? एक दिन भाई साहब, एक दिन मैं आपको ठीक से समझाऊंगा। अंशु, आज तो आरुषि तेरे साथ है, बेटा अपने आप ही चले जाओगे तुम लोग। हाँ हाँ, आप अंदर जाना, बहुत काम होगा ना आपको, सब आपके एक कप चाय का इंतजार कर रहे होंगे। आंचल, बाय मम्मा। आरुषि, बाय बेटा। बाय चाची। ए बुलबुल, क्या हुआ? टाइम क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता, वॉच नहीं है मेरे पास। ये देख, पता है ये क्या? स्मार्ट वॉच। अरे वाह, तुझे कैसे मिली? बहुत महंगी होगी ना ये? हाँ वो तो है, मेरे पापा लाए। तुझे पता है मुझे जो भी चाहिए ना, मेरे पापा मेरे लिए सब कुछ लेके आते हैं। वाव, सो कूल। मेरे पापा ना मेरे लिए न्यू शूज ला रहे, ब्रांडेड। तो तू एक काम करना, तू मेरे पुराने वाले शूज ले लेना। वैसे भी मेरे पुराने शूज तेरे शूज से तो बहुत बेटर है। नो नो, आई एम कूल, मुझे मेरे ही जूते पसंद है। अरे रख लेना। नहीं बोला ना, अगर मुझे चाहिए तो मम्मी है ना, वो मुझे ला के दे देंगी। हाँ, जैसे भावना चाहती तो बहुत कुछ लाती है तेरे लिए, बहुत पैसे है ना उनके पास। ए, क्या कर रही है ये? कॉफी, तू अपने इस पिल्ले को संभाल के रख, वरना भानु ताऊजी को बोल के इसे उज्जैन के बाहर फेंकवा दूंगी। मैं ना तुझे फेंकवा दूंगी, इडियट। कॉफी कम कम कम। अब तो ये पिल्ला गया। चरण स्पर्श अंकल, जीते रहो। रघु, राघव नाम है इसका। और अगर तुम्हें चरण छूने ही हैं तो ईश्वर के छुओ ना, इसके क्यों छू रहे हो? क्या बुराई है पैर छूने में? किसी का आशीर्वाद लेने से क्या तुम्हारे लंबे चौड़े बेटे का कद कुछ घट जाएगा? अरे तुमसे ज्यादा संस्कार तुम्हारे बेटे में है। संस्कारों की बात तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती, सारी जिंदगी आशीर्वाद के नाम पर श्राप देते रहे हो, और अब तुम अभिशाप बन गए हो। अगर अभिशाप है भी तो हम उसे भुगत लेंगे, लेकिन तुम्हें तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। लोभी लालची कहीं के भोले भाले लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जमीन ज्यादा हड़पने की कोशिश करते हो। शास्त्रों में तुम जैसे मौका परस्त लोगों के लिए महादंड का प्रावधान है। महादंड कौन भोग रहा है ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। Thank you.
ये आपने बनाए हैं? काफी सदा हुआ हाथ है आपका, बहुत प्यारे। ये मेरा फोन नहीं है, मेरे पति का फोन है, उन्होंने सिखाया नहीं मुझे। अगर सिखाना ही नहीं था तो फोन दिया क्यों? मेरे हस्बैंड ने तो मुझे लाड प्यार में ये सब नहीं सिखाया, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी भी आपसे बहुत प्यार करती है, आपको सब्जी खरीदनी नहीं सिखाई। भैया आइए, पापा बुला रहे हैं। अगली बार उस सन की जगजीवन के चरणों में गिरकर हमारा सर फिर नहीं झुका देना। बहुत अदब के साथ हम तुम्हें बता दें, इस परिवार के किसी भी व्यक्ति तो क्या वहां रह रहे पिल्ले को भी नहीं कुछ करोगे तुम? जी पापा जी। मतलब उससे बड़ी वाली इडियट कोई ढूंढ के तो दिखाए। भैया बच्ची, पहली बात तो ये कि मैं बच्ची नहीं हूँ, और दूसरी बात भैया क्लच मेरा फेवरेट है, प्लीज प्लीज मत तोड़ना भैया, प्लीज प्लीज दे दो ना, प्लीज भैया दे दो ना। तोड़ दिया। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं भैया। सॉरी बच्ची 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 बच्ची, देखो क्या है ना, आज के जमाने में प्लास्टिक टूटना सबसे बड़ा शगुन माना जाता है बच्ची। मैं ना भैया आपको छोड़ूंगी नहीं। बच्ची आई मिस यू भैया। आपको पता है मुझे जैसे ही पता चला कि आप आ रहे हो ना, तुम अपने कॉलेज की ट्रिप छोड़कर भाग गई। क्या बात, अब मुझसे बड़ी भैया की चमची कोई ढूंढ के तो बताए। सवाल ही नहीं पैदा होता। झाड़े की ना सही, मर्यादा की तो परवाह कर ली होती। ठीक ही तो पहना है ना पापा जी। जब घर में अनुशासन ना हो तो हर कोई बेलगाम हो जाता है। मॉडर्न होना ये मैं भी मानता हूं, लेकिन पहनावा ही घर और परिवार के संस्कारों को बताता है। आगे से इस बात को मद्देनजर रखते ही कपड़े पहना करो। चुप करो चुप करो, अपने बाप पे हंसे हो दोनों। कूदे जाओगे तुम दोनों भाई बहन। तो फिर ठीक है माँ, इसे ही कुटाई को ना। मद्देन भाई साहब, और कितना वक्त लगेगा, मैं कितनी देर से वहां पे इंतजार कर रही हूँ। इसमें एक कागज कम है मैडम। कागज कम है, लेकिन दिखाइए तो, मैं तो सारे लेके आई हूँ, ये देखिए। अरे इतना क्या हड़बड़ा रही हैं,
एक अर्जी तो लिखनी है ना आपको। भाई साहब आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, आप लिख दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं, ये पियोन किस दिन काम आएगा। लेकिन एक और कागज लगेगा इसमें। और कौन सा कागज लगेगा? ओ मैडम, एक मिनट भाई साहब। जी भाभी। भावना कहाँ रह गई? काफी देर हो गई इसलिए सोचा एक बार फोन कर लेते हैं। भाभी मैं यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में ही बैठी हूँ। अब क्या ही बताए तुम्हें, वो सुबह गए थे ना शादी का ऑर्डर लेने तुम्हारे भाई साहब, वो ऑर्डर किसी और को मिल गया। पहले से ही तमतमाए हुए हैं। अब समय पे खाना नहीं मिलेगा तो सारा गाज जो है तुम ही पर गिरेगा। एक काम करो, काम निपटा लो, 1 बजे से पहले आ जाना। हाँ जी भाभी, मैं रखूं भाभी वो। हाँ बच्ची मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। ओके आते आते मैं तेरे लिए ना वो शाइनी वाला हेयर क्लिप लेकर आऊंगा, ठीक है? भैया हेयर क्लिप अगर कुछ शाइनी सा लाना ही ना तो डायमंड्स लाना। गोल्ड बिस्किट भी लाऊं? हाँ। राघव ऑफिस जा रहा है गौरव के साथ? अरे नहीं माँ, मैं ऑफिस जाकर क्या करूंगा। हाँ मम्मी जी, भैया वैसे भी 2-3 दिन के लिए आए, कहाँ उन्हें ऑफिस भेज रही है। क्यों ना जाए, उसका अपना ऑफिस है, जाना चाहिए उसे, है ना? इनका ऑफिस कहाँ से हो गया, इतने साल गौरव ने उस ऑफिस में कमर तोड़ी। और अब जब खिचड़ी पक गई तो भोग लगाने आ पहुंचे। भैया मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ड्रॉप कर दूं? नहीं मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस क्यों? है कुछ काम, चलता हूँ मां। बाय 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 भैया, बाय। चलिए हाँ। मैं आपको कुछ ऑसम सा दिखाती हूँ, अच्छा मैंने बनाया खुद। भाई साहब प्लीज मेरी मदद कीजिए ना आप, एक बार सर से बात तो कीजिए। ठीक है आप रुकिए, मैं देखता हूँ। जी मैडम। हाय सर, वो मैडम आपसे मिलना चाहती हैं, उनके पति खत्म हो गए हैं, तो जरा एक बार मिल लीजिए सर, बहुत परेशानी में है वो। भेजो आप जाइए, मैं कर दूंगा काम आपका। मिल लीजिए साहब, बुला रहे। बोलिए जल्दी क्या काम है। इस पर साइन कर दीजिए। हो गया? धीरे धीरे से सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे स्टार भारत पर।